फेस्टिवल है जो कि सैलीब्रेट कर रहे हैं सी फर्स्ट टाइम जो कि सुहागना वास्ते हुंदा है ते अपा सौन दे महीने स्पेशली मनाया जाता है ते मंदिर मत्था टेकया जाता है सेम जिवें कि ठाकुर जी नूं तैयार किया जाता है तो इन्होंने भी सानू तैयार किया है सानू लैके आया सो बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम विजिट है साडा मेरा नाम उमा है मैं बेसिकली तो बठिंडा तो है बट मेरी मैरिज इतने हुई है अमृतसर तो आ मेरा सैकेंड टाइम है सैकेंड टाइम मैं इतने रेडी हुई है तो त्यौहार एक मतलब सुहागन लेडीज वास्ते मनाया जाता है पर मैं बहुत अच्छा लग रहा है ये रेडी हो गए बस ते मेरा इतने अज फर्स्ट विजिट है मेरी मैरिज तो बाद मेरे हसबेंड ने मिस्टर रमन कुमार ते ऐ जड़ा वा फेस्टिवल है जो कि सैलीब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम जो कि सुहागना वास्ते हुंदा है ते अपा सौन दे महीने स्पेशली मनाया जाता है ते मंदिर मत्था टेकया जाता है जेडे कि पहली वारी नवा नवा जोड़ा हुंदा है जिवें कि परंपरा चलदी आ रही है मेरे इन लॉज दे विच ते असीं फॉलो कर रहे हैं सेम जिवें कि ठाकुर जी नूं तैयार किया जाता है तो इन्होंने भी सानू तैयार किया है सानू लैके आया सो बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम विजिट है साडा जिवें कि प्रे की अपने अच्छे फ्यूचर वास्ते इन्हों की लंबी उम्र वास्ते सारी फैमिली वास्ते राजी खुशी रहन यही सब कुछ सानू चाहिए है ठाकुर जी का सेवक आज श्रावण मास की संक्रांति है और दुर्गयाना तीर्थ में एक अनूठी विशेष परंपरा है कि आज के दिवस नव युवक दंपति एक विशेष परिधान में ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ श्री दुर्गयाना तीर्थ में लक्ष्मी नारायण मंदिर में माथा टेकने आते हैं और प्रभु जी से आशीर्वाद लेते हैं कि उनका आने वाला जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत हो। इसके फर्स्ट रूप उनको ठाकुर जी का विशेष प्रसाद आज के दिन दिया जाता है। फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं सी फर्स्ट टाइम जो कि सुहागना वास्ते हुंदा है ते अपा सौन दे महीने स्पेशली मनाया जाता है ते मंदिर मत्था टेकया जाता है सेम जिवें कि ठाकुर जी नूं तैयार किया जाता है तो इन्होंने भी सानू तैयार किया है सानू लैके आया सो बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम विजिट है साडा